अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस शाम के अभी 4 बजने वाले हैं और पुश ड्यूटी गए हुए हैं, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और मैं अभी थोड़ी देर सो गई थी। मैं अभी उठी और मम्मी जी खाना बना रहे हैं किचन में। मैं एक्चुअली बैंक गई हुई थी, फिर मैं थक गई थी। मम्मी जी ने बोला कि रेस्ट कर लो थोड़ी देर, तब तक मम्मी जी खाना बना रहे हैं, दाल वगैरह रख रहे थे किचन में। और आज दिन को हम यामिनी आंटी जी के घर गए थे। यामिनी आंटी का रूम भी यही है, हमारे रूम के साथ ही थोड़ा ऊपर। आज हम उनके रूम गए थे, फिर उनसे बातचीत की। उन्होंने किया था मैसेज कि आ जाना मेरे रूम, तो फिर हम उनसे मिले आज। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। आंटी जी और आंटी जी की फैमिली यहीं पे रहते हैं। एक्चुअली आंटी जी के हस्बैंड CDPO हैं यहाँ रिवाल्सर में, तो वो भी यहीं पे रहते हैं। तो उनसे मिलना हुआ आज, और यामिनी आंटी भी आज हमारे यहाँ आने वाले हैं शाम को, तो फिर उनसे भी मिलाएंगे आपको, उनकी वीडियोस भी करेंगे शूट। तो गाइस ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस यहाँ पे पोस्ट घर पहुँच चुके हैं, ड्यूटी से आ चुके हैं थकार के। यार मैं नहीं थकता हूँ इतनी जल्दी। ओके आप करो रेस्ट, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तो गाइस प्रीति जा रही है मेरे लिए पानी लाने। हिसाब नहीं है हमारा किचन, ये किचन में जा रही है प्रीति, डोर नहीं खोल रही। और यहाँ पर लीजेंड जी सोए हुए हैं। तो मैं और मम्मी जी जा रही है अभी आंटी जी को लाने ऊपर। हाँ मैंने इंट्रो दे दी थी पहले कि आंटी जी, यामिनी आंटी जी का रूम है यहाँ ऊपर। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं उनको लाने उनके रूम। और गाइस देखिए आज बहुत तेज़ धूप थी दिन को, वैसे दो दिन तो लगातार बारिश ही रही, लेकिन आज तो धूप से इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत बुरा हाल था दिन को, गर्मी लग रही थी। और गाइस ये है ऊपर रोड, ये रास्ता रोड पे पहुंचने के लिए यहाँ से शॉर्ट है। ये नीचे हमारा रूम है, यहाँ से है रास्ता और ऊपर रोड के लिए। और देखिए ये है घीये की वेले, गाइस हम रोड पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए शॉर्ट रास्ते से सिर्फ 2 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये देखिए ये है यामिनी आंटी जी। आंटी बहुत प्यारे हैं, मेरे को बहुत पसंद है, मैं आज इनसे पहली बार मिल रही हूँ। और यामिनी आंटी मम्मी जी के पुराने फ्रेंड है, मैं तो सिर्फ इनसे आज मिली, पर आंटी बहुत पसंद आए मेरे को, बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं रूम आंटी जी को लेकर, और बस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये है हमारा मकान, देखो। तो गाइस देखिए हम पहुँच चुके हैं और देखिए कितनी खुशी है। हेलो गाइस, तो गाइस अभी यामिनी आंटी और पोस्ट मम्मी जी बातें कर रहे हैं, और अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और मैगी। आंटी जी बोल रहे हैं कि मैंने मैगी खानी है, तो मैं मैगी बना रही हूँ उनके लिए। आंटी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद आए कसम से। और तो गाइस मैं बना लेती हूँ उनके लिए मैगी। तो गाइस मैगी बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए आप और अच्छी अच्छी करो लाइफ में। तो गाइस आंटी जा रहे हैं इससे ऊपर जाओ, ठीक है? और क्योंकि आपने मेहनत की है बच्चे, पूरे सुंदर नगर का है आपके दोस्त, वो उनको अप्रिशिएट करूंगी जो ऑटो में आते थे आपको लेने, उनका भी साथ है क्योंकि उन्होंने दिया आपका साथ, उनको लाइफ में कभी मत भूलो। और सबसे ज्यादा आपके पापा हैं,
अब माँ तो माँ होती है पर आपके पापा ने बहुत किया है। हाँ जी। और वो एक ऐसे पर्सन है जो सुंदरनगर में कोई उनको बुरा बोलता ही नहीं है। इतने अच्छे पर्सन रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी है इनके लिए रिलैक्स। अब आप हो तो ये थोड़े रिलैक्स हैं। आपका लाइफ पार्टनर तो वैसे ही बहुत अच्छा है तो इसका हमेशा ध्यान रखना लाइफ में। तो आज मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, मेरे को फीवरिश लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आप रेस्ट करो। इतना नहीं है पर 90% तो मैं नॉर्मल हूँ, पर 10% लग रहा है कि कुछ है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। रेस्ट करिए, रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। जी जी, ठीक है गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं होगा। आंटी जी भी चले गए, मम्मी जी उनको बाहर तक छोड़ने गए हैं अभी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पर्सन जो होते हैं ना लाइफ में, कोई कोई वैसे हैं, ये बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं हमेशा। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।